हरीश कुमार। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हरीश कुमार के ऑल मूवीज नेम लिस्ट के बारे में। नंबर वन, साल 1981 में हरीश कुमार की पहली फिल्म आई एक ही बोल। इस फिल्म में हरीश कुमार ने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर टू, साल 1982 में इनकी फिल्म आई फर्ज और कानून। इस फिल्म में हरीश कुमार ने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर थ्री, इसी साल 1982 में इनकी फिल्म आई जीवन धारा। इस फिल्म में हरीश कुमार ने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर फोर, साल 1983 में इनकी फिल्म आई अंधा कानून। इस फिल्म में हरीश कुमार ने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर फाइव, इसी साल 1983 में इनकी फिल्म आई प्रेम तपस्या। इस फिल्म में हरीश कुमार ने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर सिक्स, साल 1985 में इनकी फिल्म आई हकीकत। इस फिल्म में हरीश कुमार ने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सेमिट रही। नंबर सेवन, साल 1987 में इनकी फिल्म आई संसार। इस फिल्म में हरीश कुमार ने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर एट, साल 1991 में हरीश कुमार की लीड रोल वाली पहली फिल्म आई प्रेम कैदी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर हरीश कुमार, करिश्मा कपूर, परेश रावल, दिलीप ताहिर और आसरानी नजर आए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर नाइन, साल 1993 में इनकी फिल्म आई तिरंगा। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राजकुमार, नाना पाटेकर, हरीश कुमार, ममता कुलकर्णी, वर्षा उसगांवकर, दीपक शिर्के और मनोहर सिंह नजर आए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनी। नंबर टेन, इसी साल 1993 में इनकी फिल्म आई जख्मों का हिसाब। इस फिल्म के मुख्य एक्टर गोविंदा, फराह, हरीश कुमार, कादर खान और किरण कुमार नजर आए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 11, इसी साल 1993 में इनकी फिल्म आई जख्मी रूह। इस फिल्म के मुख्य एक्टर जावेद जाफरी, मुनमुन सेन, राज किरण, उर्मिला भट्ट और हरीश कुमार नजर आए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 12, इसी साल 1993 में इनकी फिल्म आई आदमी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, गौतमी, हरीश कुमार, अजीत, शक्ति कपूर और परेश रावल नजर आए थे। यह फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 13, साल 1994 में इनकी फिल्म आई क्रांति क्षेत्र। इस फिल्म के मुख्य एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, पूजा भट्ट, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर और हरीश कुमार नजर आए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 14, इसी साल 1994 में इनकी फिल्म आई द जेंटलमैन। इस फिल्म के मुख्य एक्टर चिरंजीवी, जूही चावला, हरीश कुमार, परेश रावल और लक्ष्मीकांत बेर्डे नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 15, इसी साल 1994 में इनकी फिल्म आई बैंडिट क्वीन। ये फिल्म फूलन देवी के जीवन पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य एक्टर सीमा विश्वास, निर्मल पांडे, आदित्य श्रीवास्तव, मनोज वाजपेयी, हरीश कुमार और सौरभ शुल्का नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 16, साल 1995 में हरीश कुमार की फिल्म आई रावण राज। इस फिल्म के मुख्य एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली, शक्ति कपूर, मधु, हरीश कुमार और शिवा नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 17, इसी साल 1995 में इनकी फिल्म आई आशिक मस्तानी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अभिषेक कपूर, मोनिका बेदी, हरीश कुमार, आयशा जुल्का और प्रेम चोपड़ा नजर आए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 18, इसी साल 1995 में इनकी फिल्म आई जवाब। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राज कपूर, हरीश कुमार, करिश्मा कपूर, मुकेश खन्ना, फरीदा जलाल और प्रेम चोपड़ा नजर आए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 19, इसी साल 1995 में इनकी फिल्म आई जन्म कुंडली। इस फिल्म के मुख्य एक्टर जितेंद्र, विनोद खन्ना, रीना रॉय, अनु अग्रवाल, हरीश कुमार, परेश रावल और अनुपम खेर नजर आए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। नंबर 20, इसी साल 1995 में इनकी फिल्म आई गद्दार। इस फिल्म के मुख्य एक्टर सुनील शेट्टी, सोनाली बिंद्रे, हरीश कुमार, किरण कुमार और मोहन जोशी नजर आए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 21, इसी साल 1995 में हरीश कुमार की फिल्म आई कुली नंबर वन। इस फिल्म के मुख्य एक्टर गोविंदा, करिश्मा कपूर, हरीश कुमार, कंचन, कादर खान, महेश आनंद, सदाशिव अमरापुरकर और शक्ति कपूर नजर आए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 22, साल 1996 में इनकी फिल्म आई भीष्मा। इस फिल्म के मुख्य एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, मोहन जोशी, हरीश कुमार, अंजलि जठर और वाणी विश्वनाथ नजर आए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 23, साल 1996 में इनकी फिल्म आई आर्मी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर श्रीदेवी, शाहरुख खान, डैनी, हरीश कुमार, रोनित रॉय, रवि किशन और मोहनीश बहल नजर आए थे। यह फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 24, इसी साल 1996 में इनकी फिल्म आई मुकदम। इस फिल्म में हरीश कुमार ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। नंबर 25, साल 1997 में इनकी फिल्म आई शपथ। इस फिल्म के मुख्य एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, जॉकी श्रॉफ, राम कृष्णा, विनीता, हरीश कुमार, कादर खान और शक्ति कपूर नजर आए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 26, इसी साल 1997 में इनकी फिल्म आई गुंडागर्दी। इस फिल्म में हरीश कुमार ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 27, इसी साल 1997 में इनकी फिल्म आई हीरो नंबर वन। इस फिल्म में हरीश कुमार ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 28, साल 1998 में इनकी फिल्म आई छोटा चेतन।
इस फिल्म के मुख्य एक्टर उर्मिला मातोंडकर, दिलीप ताहिल, सतीश कौशल, शक्ति कपूर, रवि बासवानी और हरीश कुमार नजर आए थे। यह फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 29, इसी साल 1998 में इनकी फिल्म आई आंटी नंबर 1। इस फिल्म के मुख्य एक्टर गोविंदा, रवीना टंडन, कादर खान, हरीश कुमार, रजा मुराद और रीमा लागू नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 30, साल 1999 में इनकी फिल्म आई पुल और आग। इस फिल्म में हरीश कुमार ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। नंबर 31, इसी साल 1999 में इनकी फिल्म आई न्यायदाता। इस फिल्म के मुख्य एक्टर धर्मेंद्र, जयाप्रदा, आसरानी, हरीश कुमार, टीनू आनंद और मुकेश रोशी नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। नंबर 32, साल 2000 में इनकी फिल्म आई बुलंदी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर रजनीकांत, अनिल कपूर, रेखा, रवीना टंडन, हरीश कुमार, परेश रावल और शक्ति कपूर नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 33, साल 2001 में इनकी फिल्म आई इंतकाम। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अक्षय आनंद, टीनू आनंद, पूजा डंडवाला, हरीश कुमार, शक्ति कपूर और किरण कुमार नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। नंबर 34, साल 2011 में इनकी फिल्म आई नॉटी एट दी रेट 40। इस फिल्म के मुख्य एक्टर गोविंदा, युविका चौधरी, अनुपम खेर, सयाली भगत, शक्ति कपूर, संजय मिश्रा और हरीश कुमार नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। नंबर 35, साल 2012 में इनकी फिल्म आई चार दिन चांदनी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर कुलराज रंधाना, तुषार कपूर, अनुपम खेर, ओम पुरी, अनिता राज और हरीश कुमार नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। नंबर 36, साल 2017 में इनकी लास्ट फिल्म आई आ गया हीरो। इस फिल्म के मुख्य एक्टर गोविंदा, आशुतोष राणा, मुरली शर्मा, मकरंद देशपांडे, चंद्रचूड़ सिंह और हरीश कुमार नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही।